बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैर वाफिद से होंगे। मैं हूँ कोकब जबीन और आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी एक बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी शेयर करूँगी, जो है जापानी फल का मिल्क शेक, या फिर आप इसे अमलो का मिल्क शेक भी कह सकते हैं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। स्टार्टिंग में मैं ये बिल्कुल नहीं खाती थी क्योंकि इसकी वजह से मुँह खुश्क होता था, तो वो चीज़ ना थोड़ी सी अच्छी नहीं मुझे लगती थी। लेकिन जब मैंने इसके फ़ायदे सुने तो मैंने सोचा अगर खाया नहीं जाता तो एटलीस्ट इसका मिल्क शेक ही बनाकर पिया जाए। वेट लूज़ करने के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। इसके साथ इसके बहुत से ब्यूटी बेनिफिट्स भी हैं। जो अपनी स्किन टाइट करना चाहते हैं, ये स्किन से ऑयल ख़त्म करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट की डिजीज़ के लिए और बहुत सी डिजीज़ के लिए बेस्ट सोल्यूशन है। इसके अलावा बहुत से कैंसर्स के लिए फ़ायदेमंद है, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। डेली दो चपानी फल ज़रूर खाया करें ताकि आप फिट रहें। इसके साथ ये आपके जिस्म में वीकनेस को भी ख़त्म करता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मिल्क शेक के लिए हमें चाहिए आधा लीटर दूध, चार चपानी फल, 3 खाने के चम्मच चीनी और हसबे ज़रूरत आइस क्यूब्स। चलें जी, अब सबसे पहले जापानी फल कटिंग करके इसके अंदर डालेंगे। इसके साथ इसमें शुगर डालेंगे, आइस क्यूब्स, लास्ट में दूध शामिल करेंगे। अब इन्हें अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। चलें जी, जापानी फल का मिल्क शेक हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे ग्लास में डाल लेते हैं। जी, आज की मेरी ये बहुत ही शानदार सी बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।